इसमें आपको रिंगटोन सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, प्रॉपरली आप रिंगटोन लगा सकते हो। ये मेरे को बहुत ही यूनिक चीज़ लगी, अभी तक मैंने और कोई वॉच नहीं देखी जिसमें आपको रिंगटोन सेट करने का ऑप्शन मिलता है। इसमें बहुत ही बेटर चीज़ ये यूज़ करी गई है। मैसेज अलर्ट टोन भी इस तरीके से मिल जाते हैं और इवन आप साइलेंट मोड पर भी रख सकते हो। सो गाइज वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक टॉक पे। आज हम दो वॉचेस का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे वॉच तो पता चल गई होगी कौन सी है, एक है हमारे पास बोट की वेव कनेक्ट। आई नो यहाँ पे ये कंपैरिजन थोड़ा सा वर्थी भी है क्योंकि ये जो उसका प्राइस है बोट की वेव का, वापस से इसका प्राइस हाइक कर चुका है और मेरे ख्याल से 3500 रुपीज़ हो गया होगा, बट अभी फ्लिपकार्ट की सेल चल रही तो मेरे ख्याल से नहीं भी होगा, आप चेक कर लेना वैसे तो। और यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले मिल जाती है, एक तरफ एमोलेड डिस्प्ले मिलते हैं, एक तरफ आपको डिस्प्ले TFT LCD डिस्प्ले मिलती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्ले की ब्राइटनेस लेवल्स, तो यहाँ पे दोनों में ही ब्राइटनेस अच्छी खासी मिलती है। इवन यहाँ पे मैंने कम ही कर रखी है इसमें भी, देख सकते हो यहाँ पे, बट यहाँ पे इस तरीके का लुक मिलता है दोनों में, आप देख सकते हो। बात करें फिजिकल ओवरव्यू की, यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है, यहाँ पे आपको एल्युमिनियम की केसिंग मिलती है, यहाँ पे क्राउन है ये वर्किंग है, यहाँ पे वॉलपेपर चेंज कर सकते हो इससे। इसमें आपका ये क्राउन का कोई सीन नहीं है, बट यहाँ पे आप वॉलपेपर को यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। इसमें यहाँ पे कोई सीन नहीं है क्राउन का, बट यहाँ पे भी आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से इसमें भी आपको वॉच फेस मिल जाते हैं 10 तक, इसमें भी आपको 10 वॉच फेस मिल जाते हैं देखने के लिए। और ऊपर की साइड से स्वाइप करते हो, यहाँ पे आपको टॉगल मेन्यू मिलता है, यहाँ पे आपको ये जो नोटिफिकेशन एरिया वो मिल जाता है। बैक साइड अगर हम बात करें, यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर के साथ यहाँ पे देखने को मिलती है दोनों ही वॉचेस, और ओवरऑल लुक और फील दोनों का ही अच्छा है। और एक तरफ बोट की ब्रांडिंग, एक तरफ फायर बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है। और यहाँ पे स्ट्रैप की क्वालिटी यहाँ पे दोनों की बहुत ही बेटर है, दोनों की अच्छी है। यहाँ पे स्क्रीन फ्रेंडली मेटल का यूज़ किया गया है और 2.5D कर्व ग्लास भी दोनों में यूज़ किया गया है। साइड व्यूइंग एंगल्स इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। एमोलेड डिस्प्ले है तो ऑब्वियसली बात है फायर बोल्ट का कोई जवाब नहीं है, ये हमारी हार चुकी है बोट की वॉच, राइट। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम और बात करें तो 22mm स्ट्रैप साइज है इसका, तो एप्पल वाले स्ट्रैप साइज़ के लगेंगे। तो एग्जैक्टली पता नहीं कि मतलब कहाँ पे मिलेंगे, आप चेक कर लीजिएगा आफ्टर मार्केट में, ऑनलाइन नहीं सेल करती है फायरबोल्ट से मेरी बात हुई है, और वैसे एग्जैक्टली 22mm के ही हैं। इसमें आपको बोल्ट में भी आपको 22mm के मिलते हैं, बट आई डोंट नो यहाँ पे जो नॉर्मल वाले हैं वो तो लगते नहीं है, तो ये भी आपको थोड़ा सा मार्केट से चेक ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे डेडिकेटेड आपको माइक मतलब स्पीकर का यहाँ पे वेंट मिल जाता है इस तरीके से, फोकस ओके। यहाँ पे भी आपको स्पीकर का वेंट ये रहा, एल्युमिनियम में ही यहाँ पे एम्बेड किया गया ये रहा, राइट। और यहाँ पे आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है, और इसमें भी आपको यहाँ पे ये माइक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे थिकनेस देख सकते हो दोनों की, यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, दोनों ही मतलब अच्छी खासी यहाँ पे आपको थिकनेस के साथ आती हैं। वॉच का जो वेट है वो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बोट की वेव का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, आई डोंट नो। यहाँ पे इवन पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, यहाँ पे एल्युमिनियम प्रीमियम बिल्ड है, उसके बावजूद भी यहाँ पे वेट कम है इसका एज़ कम्पेयर टू बोट की वेव कनेक्ट। अब गाइस और फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले किसकी बड़ी है, इसकी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, शार्पनेस बेटर मिलती है, एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे टॉप नॉच डिस्प्ले है। यहाँ पे कलर एक्यूरेसी इसकी भी अच्छी है, बट डिस्प्ले आपकी छोटी है, कॉम्पैक्ट साइज की आती है, नॉर्मल टू थिन टू लार्ज विस्ट के लिए अच्छी रहेगी, ये लार्ज टू मीडियम विस्ट के लिए ठीक है, थिन विस्ट के लिए भी ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्ले जो है ना इसकी देखो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको दी गई है, मतलब इतनी बड़ी दी गई है, बट यहाँ पे जो बेजल्स हैं ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल दिए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, अगर आप यहाँ पे देखो इस वॉच फेस में सिमेट्रिकल बेजल्स हैं, इसमें आपको सिमेट्रिकल बेजल्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे की साइड से चिन ज़्यादा बड़ी मिलती है, आप खुद देख सकते हो, पता लगा सकते हो यहाँ पे किसकी चिन ज़्यादा है किसकी चिन कम है, राइट। और नीचे की साइड से स्वाइप करने पे यहाँ पे हिंदी में आपको ये मैसेज शो कर देता है, यहाँ पे आपको टॉगल में नहीं मिल जाता है, और बटन टैप करती है होम पे आते हो। ऊपर की साइड से जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको ये पूरा प्रॉपर और ऊपर की साइड से यहाँ पे आपको इस तरीके से ये मिल जाता है मैसेजेस नोटिफिकेशन। और राइट साइड में स्वाइप करने पे यहाँ पे दोनों में ही आपको कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स मिल जाएंगे देखने के लिए इस तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पे, और वापस यहाँ पे आप होम पे आ जाते हो। लेफ्ट साइड में स्वाइप करने पे यहाँ पे आपको एक स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको वापस से शॉर्टकट स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे आपको एलेक्सा भी मिल जाता है, इसमें आपको एलेक्सा नहीं मिलता, वॉइस असिस्टेंट मिलता है। अब मैं आपको आगे बताऊँगा वॉइस असिस्टेंट ज़्यादा बेटर है एलेक्सा से क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। नीचे की साइड से तो मैंने बताई दी आपको। अब गाइज यहाँ पे जो मेन जो आपको टॉगल मेन्यू वो देख लेते हैं, D&D मोड रेस टू एक यहाँ पे, और ब्राइटनेस लेवल यहाँ पे कॉल लाइटली, और यहाँ पे आपको म्यूट स्विच का ऑप्शन, यहाँ पे टॉर्च मिल जाती है, यहाँ पे कनेक्टिविटी दिखाता है, यहाँ पे वाइब्रेशन ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस कंट्रोल है, टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है, टॉर्च का ऑप्शन इसमें देख लो यहाँ पे इस तरीके से, ब्राइटनेस लेवल दोनों की टॉप नॉच है।
और सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे नीचे की साइड आपको फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको फाइंड माई फोन नहीं मिलता, ये ओटी अपडेट के थ्रू कंपनी कर सकती है, पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी। सेटिंग में चलते हैं, यहाँ पे वेक गेस्ट मिल जाता है सबसे पहले, यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो स्लीप का ऑप्शन है, यहाँ पे 30 सेकंड मैक्सिमम यहाँ पे कर सकते हो, और यहाँ पे आपको अगर ब्राइटनेस में जाते हो तो यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे 20 सेकंड का मैक्सिमम मिलता है, यहाँ पे 30 सेकंड, यहाँ पे 20 सेकंड है। यहाँ पे ऑलवेज ऑन का फीचर मिल जाता है, दिखाता हूँ आपको, डिस्प्ले में जाते हो नहीं नीचे जाते हो, यहाँ पे ऑलवेज ऑन अगर ऑन करते हो तो यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल वाला मिल जाता है, बट बोट में ऐसा कोई सीन ही नहीं है, यहाँ पे ऑलवेज ऑन का कोई फीचर नहीं मिलता, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में ही। उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वाइब्रेशन इंटेंसिटी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, वाइब्रेशन मोड भी आप चेक कर सकते हो, वाइब्रेशन पे रखना है कॉल प्लस वाइब्रेशन है या ऑफ रखना है तो ये आप कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे भी आपको चीज़ मिल जाती है, बट इसमें बाय डिफॉल्ट ही रिंगटोन है, जो आपकी फ़ोन की बजेगी वो उसमें बजेगी, एज इट इज सिमिलर। डो नॉट डिस्टर्ब ऑन ऑफ कर सकते हो, रिंगटोन सेटिंग तो है ही। ऐप व्यू का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी आप ऐप व्यू का ऑप्शन देख सकते हो, और उसी के साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले, ये रहा मेन्यू स्टाइल, राइट, हनीकॉम वाला लिस्ट वाला मेन्यू मिल जाता है। और साथ में यहाँ पे वॉच फेस पे चलें, यहाँ पे दोनों में ही वॉच फेस चेक करते हैं एक बार, वॉच फेस यहाँ पे भी टन्स ऑफ वॉच फेस मिल जाते हैं, देख सकते हो 10 यहाँ पे भी, 10 यहाँ पे भी मिल जाते हैं, राइट। बट बोट में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें आपको वॉच फेस स्टोर करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब 2 से 3 वॉच फेस को आप स्टोर कर सकते हो। मैंने अपनी 3 पिक को एज अ वॉच फेस लगा रखा है, इसमें फायरबोल्ट में एक ही अभी है एज ऑफ नाउ, कंपनी उसको भी आप चाहे तो कर सकती है, बट पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि इंटरनल मेमोरी मिल जाती है इसमें आपको, बोट में इंटरनल मेमोरी मिलती है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें इंटरनल मेमोरी आप सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो प्रॉपर्ली, सॉन्ग्स सुन सकते हो इन द वॉच, TWS को पेयर कर सकते हो इन द वॉच इटसेल्फ, ये मेरे को बहुत ही बेटर लगा, जो कि आपको बोट देती नहीं है, राइट। अब गाइस मेन फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको फीचर्स जाना है तो यहाँ पे बटन टैप करनी है एक बार, और यहाँ पे ये ऊपर वाला बटन टैप करनी, यहाँ पे खुल जाएगा। हेल्थ डाटा प्रॉपर्ली शो करता है, स्टेप्स काउंटिंग यहाँ पे प्रॉपर्ली ये सब चीज़ें शो कर देता है, डाटा शो कर देता है, तो दोनों में ही आपको डिफरेंस मिलता है। स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड में जाने के लिए आपको एक्सरसाइज पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे 60 स्पोर्ट्स मिलते हैं, सारे के सारे वॉच में इटसेल्फ दिए गए हैं, यहाँ पे आपको 100 मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 118 है ना गाइस सेट, तो ये आगे निकल जाती है विजनरी। हम एक स्पोर्ट्स मोड लगा के देखते हैं, और आउटडोर यहाँ पे नॉर्मल वाले देख लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है कॉम्पिटिटर वाला, ये क्या लग गया स्पोर्ट्स, ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है, दोनों में ही आपको चीज़ें ये सारी की सारी शो करता है। डिस्टेंस KCL में यहाँ पे भी आपको डिस्टेंस शो करता है, बस ये कि दोनों में ही आपको इन ऐप GPS का सपोर्ट मिलता है, GPS आपको नहीं मिलता है दोनों ही वॉचेस में, बट इन ऐप GPS का सपोर्ट दोनों में ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्टॉप, और उसी के साथ साथ सबसे इसका कमाल का फीचर है विजनरी का, ये वाला क्राउन से आप आगे पीछे कर सकते हो मेन्यू को। आगे बात करते हैं, एलेक्सा मिल जाता है प्रॉपर्ली, इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट मिलता है, वो भी सेटिंग में जाके, राइट। अभी हम दोनों को चेक करेंगे किसका बेटर किसका नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे शटर बटन है, प्लेयर ऑप्शन है, एल्बम है, स्टॉप क्लॉक है, टाइमर मिल जाता है, फीमेल हेड ट्रैकिंग का ऑप्शन इन द वॉच इटसेल्फ दे रखा है, कैलकुलेटर मिल जाता है, फ्लैश लाइट, QR कोड, अदर थिंग। इसमें कैलकुलेटर भी मिलता है, ये मेरे को बहुत ही बेटर फीचर लगा, इसमें आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता, इसमें आपको अदर फीचर्स मिलते हैं, वो चेक करते हैं यहाँ पे। और स्पोर्ट्स रिकॉर्ड है, हार्ट रेट है, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, स्ट्रेस लेवल मिल जाता है, जो कि स्ट्रेस मॉनिटर इसमें नहीं मिलता आपको, और स्लीप ट्रैक कर सकते हो, वेदर नोटिफिकेशन है, म्यूजिक है, क्लॉक है, एम्बियंट साउंड मिल जाता है, ये ऑप्शन बहुत ही बेटर है, मतलब आपके आसपास कितना साउंड हो रहा है वो आपको इसमें बता देगा, तो ये मेरे को इसका बोट वेव कनेक्ट का फीचर बहुत बेटर लगा, इसमें आपको नहीं बताता है। और उसी के साथ साथ फ्लैश लाइट मिल जाती है, फाइंड फोन है, और सेटिंग मिल जाती है, दैट्स इट, यहाँ पे चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बट SPU टू HR कुछ कैसे चेक करेंगे वो तो चेक कर लेते हैं एक बार दोनों में ही। यहाँ पे HR प्लीज़ वेयर द गुड, बहुत जल्दी यहाँ पे बताया था कि मतलब नहीं, राइट। तो यहाँ पे इसमें हम सरफेस पे टेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सरफेस पे रख नहीं सकते, इसका इस तरीके से ऐसे मिलता है, पकड़ के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, वैसे मैं आपको दिखाया था अभी ऑन द सर्फेस भी करके, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे BP मॉनिटर भी मिल जाता है आपको, तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको BP मॉनिटर नहीं मिलता है, तो यहाँ पे SPO2 चेक करते हैं एक बार, SPO2 कहाँ गया इसमें, बोर्ड की वॉच में कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे तुरंत यहाँ पे बता दिया कि प्लीज़ वेयर द बैंड करेक्टली, यहाँ पे बोर्ड की वॉच में थोड़ा सा टाइम लेगा वैसे। तो यहाँ पे BP मॉनिटर भी एक बार हम देख ही लेते हैं, तो इस तरीके से
गाइस आई गेस मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में बीपी मॉनिटर बताया था कि नहीं बताया था, रिव्यू वाली वीडियो में मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। एक्चुअली बीपी मॉनिटर है इसमें और मेंशन नहीं किया गया आई गेस मेरे ख्याल से विजनरी की वेबसाइट पे या मतलब कहीं, तो ये मैं आपको अभी इसी में दिखाया था, कोई इशू नहीं है, आप देख लीजिए। बीपी मॉनिटर भी आपको देखने को मिल जाता है इसमें। अब गाइस ओवर टू द सरफेस, चेक करते हैं दोनों में ही। यहाँ पे सरफेस हम क्या कर ले सकते हैं, एक बार सरफेस हम ये मान लेते हैं गाइस, क्या करें इसी को मानना पड़ेगा जब तक। यहाँ पे HR नहीं बता रहा गाइस, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा इसको मेरे को वो करके रखना पड़ेगा या ओके इस पतले पे आ जाएगा। ओके प्लीज फेयर द बैंक करके बता रहा है तो ये अच्छी बात है। प्रोडक्शन सिचुएशन लेवल चेक करते हैं, राइट इसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार। बहुत अच्छी बात है, सेंसर बहुत अच्छा है यहाँ पे, विजनरी में सेंसर डेफिनेटली लगाया गया है यहाँ पे और दोनों में ही आपको नहीं बता रहा है ओवर टू द सरफेस भी, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब गाइज जो हम मेन फीचर्स को चेक करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे दोनों में ही क्या मिलते हैं। जो है आपका कॉलिंग फैसिलिटी में कॉल क्वालिटी किसकी अच्छी है और किसकी नहीं है, और वॉइस असिस्टेंट किसका बेटर काम करता है, और ओवर टू द हैंड्स भी चेक कर लेंगे SPO2 मॉनिटर के साथ एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो गाइज़ हमारी दोनों ही वॉचेस कनेक्टेड है और यहाँ पे हम कॉल क्वालिटी चेक करेंगे दोनों ही वॉचेस की, किसमें बेटर है किसमें नहीं है। यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कॉल क्वालिटी क्या मतलब, मैं आपको वॉइस क्वालिटी सुनाना चाहता हूँ किसकी बेटर है। सो गाइस फाइनली रीसेट करने के बाद ही सही हुई है वॉच, देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपरली इस इतनी वॉच आपको इतनी वॉइस आपको मिलती है देखने के लिए इसमें सुनने के लिए। और यहाँ पे सिर्फ आप कट और यहाँ पे म्यूट कर सकते हो दैट और कुछ नहीं कर सकते। अब गाइस इसकी साउंड सुनते हैं, इसमें देखते हैं कैसी वॉइस आती है। देखना गाइस किसकी ज्यादा है वॉइस, बहुत ज्यादा है गाइस इसकी। आई नो यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस क्लियर वॉइस आपको इसकी मिल रही है, इसकी थोड़ी सी आपको लग सकती है, इसमें वैसे ज्यादा आपको मतलब लाउडनेस मिलती है इस तरीके से। अब गाइस यहाँ पे एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं हमारा वॉइस असिस्टेंट या आप कह सकते हो एलेक्सा। कॉल 198। तो देखो यहाँ पे म्यूजिक एंड रेडियो प्लेबैक आर सपोर्टेड ऑन दिस, म्यूजिक रेडियो सुन रही है जब मैंने बोला कि कॉल करने के लिए। कॉल 198 कॉलिंग विद एलेक्सा इज इन सपोर्ट, कॉलिंग भी सपोर्टेड है यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे जाएं में चलते हैं कॉल 198 देखो इसमें कॉल लग रही है। वेलकम टू जियो, कॉल भी मिला सकते हो, प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्क करता है। अब दोनों के हाथ पे पहन लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से कैसे आपको चीज़ें मिलती हैं दोनों में ही। तो गाइज इन हैंड फील इस तरीके से मिलता है आपको, डिस्प्ले क्वालिटी आप खुद ही बता दो किसकी बेटर है। मेरे को तो डेफिनेटली यहाँ पे फायरबोल्ट की अच्छी लग रही है, इसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसमें भी कोई इशू नहीं है एज सच। और रेस टू वेक एक बार चेक करते हैं, ऑफ है ओके 1 2 एंड, तो यहाँ पे ये पहले ऑन हो रही है, ये थोड़ा सा लेट 1 2 तो ये पहले ऑन हो रही है, ये थोड़ा सा लेट हो रही है, इसमें वैसे ऑलवेज ऑन तो मिल ही जाता है। अब गाइज SPO2 HR को चेक कर लेते हैं एक बार, ये रहा HR,
टेम्परेचर, और हम ऑक्सीमीटर कहाँ गया हमारा, यहाँ पे भी स्कैन कर रहे हैं। ऑक्सीमीटर ने बता दिया है यहाँ पे, ऑक्सीमीटर में आप देख सकते हो यहाँ पे 97 शो कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 82 शो कर रहा है, और ये 81 जो है नीचे वाला आपका ये है हार्ट रेट, राइट। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हार्ट रेट 79 है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, यहाँ पे देख सकते हो 84, यहाँ पे 70 दिखा रहा है। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है दोनों में ही डिफरेंस, यहाँ पे 86 दिखा रहा है। देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक रुकता है जाके, ये गाइस थोड़ा सा सही दिखा रहा है, थोड़ा सा इसमें तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है, ये स्टॉप हो चुका है 68 पे। अब गाइस SPO2 चेक करते हैं, SPO2 ये रहा ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, नाइन्टी शो कर रहा है इसमें, और इसमें देखते हैं 90 शो कर रहा है गाइस इसमें, आई डोंट नो, तभी तो ये हार्ट अटैक दे सकता है एक पर्सन को अगर ऐसे ऐसे शो करेगा तो इसीलिए मैं वॉचेस में रिकमेंड नहीं करता कि आप वॉचेस को सही मानो, आपको मेडिकल डिवाइस ही लेना चाहिए अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो, ऑब्वियसली बात है, रेदर देन गोइंग फॉर स्मार्ट वॉचेस, राइट। इवन महंगी महंगी वॉचेस में भी आपको इतना एक्यूरेट नहीं दिखाता है, तो ये है कि मतलब अगर आप मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आपको डेफिनेटली जो मेडिकल इक्विपमेंट है वही लेना चाहिए। तो गाइस ये था एक डीप डाउन कंपैरिजन फायरबोल्ट वेजनरी वर्सेस बोट की वेव कनेक्ट, अगर आपका करियर दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग रहता है तो ज़रूर पूछ लेना। यहाँ पे एक फाइनल कंक्लूजन पे मैं अगर आऊँ तो इसका जो प्राइस है वो बढ़ चुका है, वेजनरी का प्राइस जो है वो बढ़ चुका है, इसका भी बोट का प्राइस भी बढ़ जाएगा बहुत जल्दी, अभी तो नहीं बढ़ा है वैसे तो। और अगर मैं बात करूँ ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी, तो यहाँ पे बोट की वॉच रहेगी अगर मतलब AMOLED डिस्प्ले नहीं चाहिए आपको, बट अगर आपको AMOLED डिस्प्ले चाहिए तो ये लुक एप्पल का आपको देती है पूरा का पूरा, हूबहू एप्पल का लुक देती है, और ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, AMOLED डिस्प्ले मिलती है, स्पोर्ट्स मोड बहुत सारे मिल जाते हैं, TWS इसको पेयर कर सकते हो, कंटेंट को सेव कर सकते हो, और इवन सॉन्ग्स को भी स्टोर कर सकते हो, 15 तक सॉन्ग्स में स्टोर हो जाती हैं, तो ये मेरे को बहुत ही बेटर लगा। सॉन्ग्स कहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जाते हो आप, यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर में आप जाते हो ना, तो म्यूजिक प्लेयर में अलग से ऑप्शन आ जाता है आपका, जो प्लेयर वाला ऑप्शन है यहाँ पे TWS और ब्लूटूथ पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइज़ वैसे तो दोनों ही वॉचेस अच्छी हैं, बट मैं फाइनली अगर मैं कोई एक चुनूँ उसमें से तो मैं फाइनली यही चुनूंगा वेजनरी, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।